रायपुर में धोखाधड़ी ठगी करने का मामला सामने आया है। ऐसा ही एक मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र से भी आया है, जहां जिंदल स्टील प्लांट रायगढ़ में नौकरी लगाने के नाम पर 1,03,000 रुपये की ठगी की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। आवेदक के द्वारा आकर के थाना में लिखित आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें अदर प्लांट में काम करने वाले जो 3-4 आरोपी गण हैं उनके द्वारा इसको जिंदल स्टील प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 1,03,000 रुपए लिया गया है, जिसके बाद उसको नौकरी भी नहीं लगाया और न ही उसको पैसा वापस।